ध्यान से इस फोटो को देख लीजिए। तो दोस्तों, आज हम ड्रॉ कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ की बॉडी, और टाइगर श्रॉफ तो बहुत ही ज्यादा मस्कुलर है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको शेडिंग और ब्लेंडिंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखें, ताकि आप भी बहुत अच्छी शेडिंग और ब्लेंडिंग करने लगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडिंग के लिए पेंटिंग ब्रश का यूज़ किया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन किस तरीके से यूज़ किया है ये तो आपको पूरी की पूरी वीडियो देखकर ही पता लगाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ आखिर तक। तब तक चलिए कुछ बातें हो जाए कमाल की और धमाल मचाने वाले हमारे टाइगर श्रॉफ की, जो आजकल हिट पे हिट मूवियां दे रहे हैं धनाधन। तो दोस्तों, इनकी नई मूवी आ रही है बागी 3, जिसमें बहुत ही शानदार लुक है इनका, बहुत ही शानदार मस्कुलर, बहुत ही पावरफुल। और जैसे ही मैंने इनकी मूवी का ट्रेलर देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी ड्राइंग बनाई जाए और हमारे बिगनर्स दोस्तों के लिए कुछ सिखाया जाए कि किस तरीके से शेडिंग और ब्लेंडिंग की जाती है। तो दोस्तों, शानदार वीडियो बन रही है आपके सामने। बस अगर आपको सीखना है तो देखते रहिए, और अगर आपको ये ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत की है इस ड्राइंग को बनाते हुए। तो दोस्तों, कमेंट करके तो हमें बताना ही कि ये ड्राइंग आपको कैसी लगी, और साथ में लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हमें आपके लाइक और आपके बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल और प्यारे प्यारे कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसलिए हम आपसे हर बार कहते हैं कि कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, और अगर ड्राइंग पसंद आती है तो लाइक करना भी कतई ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्यों नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबा दें, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है जो बजाने के साथ ही टन नहीं करता, साइलेंट रहता है, लेकिन मेरे दिल तक आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंचती है। टन से जैसे मंदिरों का घंटा बजता है, उसी तरह जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मुझे भी सुनाई दे जाता है आपका प्रेस किया हुआ घंटे का बटन। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप भी भविष्य में ऐसी शानदार ड्राइंग्स देखें और सीख सकें। और मुझे पता है कि मुझे ढेर सारा आपका प्यार मिलता ही जा रहा है, और देखना, मुझे आप पे पूरा पूरा भरोसा है, एक दिन ये जो आर्ट की फैमिली है जिससे हम और आप बहुत ही पक्के मजबूत धागे से जुड़े हुए हैं, एक रिश्ता सा बन चुका है अब तो आपका और हमारा, तो ये रिश्ता बहुत ही मजबूत होने के साथ साथ और इस फैमिली में बहुत सारे सदस्य दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे तो देख के बड़ा ही खुशी महसूस होती है कि कहाँ इतना छोटा सा परिवार था और आज धीरे धीरे ये आर्ट फैमिली कितनी बड़ी होती जा रही है बहुत ही शानदार तरीके से। तो मुझे तो ऐसा यकीन होने लगा है कि एक दिन वो भी आएगा जब हमारे हिंदुस्तान के आर्टिस्ट पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार, क्योंकि आपको बदलना है दुनिया का सबसे बड़ा एक मिथ। पहले तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट हुआ करते थे, बड़े बड़े नाम थे उनके, लेकिन अभी तो कोई भी नहीं बचा शायद, और जिनके बच्चे भी हैं तो उनके काम हमें पसंद नहीं आते, क्योंकि वो मॉडर्न आर्ट वाले हैं और हम तो हैं रियलिस्टिक आर्टिस्ट। और मुझे पता है कि आप भी रियलिस्टिक आर्टिस्ट बन रहे हैं, ताकि आप भी ऐसे ही पोर्ट्रेट बनाएं, ऐसे ही कमाल कमाल के चेहरे बनाएं, ऐसे ही सुंदर सुंदर चेहरे बनाएं। तो हम तो भाई यही कहेंगे कि अभी तक रियलिस्टिक आर्टिस्ट इंडिया से इतने नामचीन तो हुए नहीं। एक थे रवि वर्मा, जिनको हम भली भांति जानते हैं, दूसरे थे MF हुसैन, जिनको हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन उनके बाद से मुझे तो ध्यान नहीं है। अगर आपको कोई नज़र में है ऐसा कोई आर्टिस्ट जो बहुत ज़्यादा नाम कमाने के साथ साथ उनको लगभग हमारा भारत और दुनिया में उनका नाम हो, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आखिर वो कौन है जो रियलिस्टिक आर्टिस्ट है और उनका इतना ज़्यादा नाम है। तो मुझे कमेंट करके ये बात ज़रूर बताना, ताकि मेरी भी नॉलेज बढ़ जाए, अगर आपको पता है तो।
तो दोस्तों इस ड्राइंग के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताना और अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं अगली बार।